किसी भी रूप में जो बात सनातन धर्म के बारे में अपशब्द की बात कही गई हो या राम के अपमान की बात, वो किसी भी साथी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे मैसेज देने की जरूरत नहीं, वो स्वयं भी देख रहे थे परंतु उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो तो हमारे सबके नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता होने के बावजूद तमाम और दूसरे लोगों ने भी ये संज्ञान में लाया गया, परंतु ऑफिशियल तौर पर कभी भी पार्टी की तरफ से उसका खंडन नहीं किया गया। देखिए, इंडिया गठबंधन तो जब से उसकी नींव रखी गई उसके बाद से सैकड़ों बार टूटा है, सैकड़ों बार बना है। सब लोग अपने अपने लालच के हिसाब से उसमें गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु राष्ट्र के निर्माण की भूमिका उसमें कदापि उस रूप में नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है, और वो झटका दिया है उत्तर प्रदेश सरकार में दो बार मंत्री रहे और सहारनपुर सदर से तीन बार विधायक रहे संजय गर्ग जी ने। संजय गर्ग अब समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बातचीत करने के लिए संजय गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो सर यही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, आखिर क्यों कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, क्या मजबूरी? मुझे नहीं पता कि कौन कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ता हमारे लिए हमेशा सम्मान की बात रही है, और कार्यकर्ताओं के काम चूंकि हम नहीं करा पा रहे थे, एक तो मुख्य कारण इस बात के साथ ये बात रही, और दूसरी बात ये कि किसी भी रूप में जो बात सनातन धर्म के बारे में अपशब्द की बात कही गई हो या राम के अपमान की बात, वो किसी भी साथी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन तमाम चीज़ों के अलावा समाजवादी विचारधारा की प्रतिबद्धता से अलग होकर जिस तरह का स्वरूप और क्या कार्यशैली का को अपनाया गया, उस सब ने हमें मजबूर किया इस बात के लिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं के कामों को करा सकें, और उसी के साथ जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसमें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के जो तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं उन सब की सूची सबके सामने है। इस सब के बावजूद एक वर्ग को निशानदेही कर दी जाए और उसके साथ ये बात करी जाए तो राष्ट्र के निर्माण में मैंने बखूबी बेहतर समझा कि हम इस बात का सामंजस्य स्थापित करते हुए सर्व समाज को साथ लेकर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाथों को, माननीय मोदी योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक समाजवादी पार्टी में थे वो लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे थे, आपसे बात होती, आप हालांकि उस समय खुलकर बात नहीं कर पाते थे, तो क्या आपने कहीं अखिलेश यादव जिसको मैसेज दिया था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो रहा है? मेरे मैसेज देने की जरूरत नहीं, वो स्वयं भी देख रहे थे परंतु उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो तो हमारे सबके नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता होने के बावजूद तमाम और दूसरे लोगों ने भी ये संज्ञान में लाया गया, परंतु ऑफिशियल तौर पर कभी भी पार्टी की तरफ से उसका खंडन नहीं किया गया। तो क्या मजबूरी रही होगी अखिलेश यादव की जो खंडन नहीं करते थे? ये तो वो जानते होंगे, मैं तो नहीं इस बारे में कुछ कह सकता। आप भी लगातार सनातन को लेकर चल रहे हैं अब आगे, तो क्या एजेंडा रहेगा 2024 को लेकर या आगे पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे आप? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो पंच प्रण दिलाए हैं विकसित भारत करने के लिए, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति प्रदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करना, अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए, एकता और एकजुटता के लिए, और नागरिकों का, आम नागरिकों का जो अपना कर्तव्य है जिसे वो भूलता जा रहा है उसका एहसास कराने के लिए, अगर इन पांच मंत्र को लेकर, संकल्पों को लेकर भारत का हर नागरिक बढ़ने की बात करेगा तो निश्चित रूप से वो सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहाने वाला देश बना सकेगा, और हमारा वही संकल्प जो माननीय मोदी जी ने हम सबको प्रण दिलाने के रूप में कहा है उसे चरितार्थ करने का है। इंडिया गठबंधन को सर कहाँ देखते हैं 24 के चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन तो जब से उसकी नींव रखी गई उसके बाद से सैकड़ों बार टूटा है, सैकड़ों बार बना है। सब लोग अपने अपने लालच के हिसाब से उसमें गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु राष्ट्र के निर्माण की भूमिका उसमें कदापि उस रूप में नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कहीं भी टिक पाएगा। विपक्ष लगातार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी में लोगों को शामिल करा रही है, तो क्या आप भी उसी डर से तो नहीं शामिल हुए कहीं? मेरा 40 साल का राजनीतिक और सामाजिक जीवन है, मेरे क्षेत्र के और मेरे जनपद के और प्रदेश के लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा कोई भी क्रियाविधि किसी इस तरह की नहीं है कि जिससे कि मुझे उन तमाम चीज़ों से डर लगने का काम हो। मेरा बहुत ही पाक साफ चरित्र रहा है, मैंने कोई इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई मेरा कार्य उस रूप में नहीं है, इसलिए उस तरह का कोई वो नहीं और ना ही मेरे पे कोई दबाव है। मैंने कार्यकर्ताओं के काम कराने के लिए और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास उसमें अपनी भूमिका और विकास में जो जनपद में हमारा जो विकास हुआ है निश्चित रूप से वो विकास पिछले
चालीस पचास साल में नहीं हो पाया, चाहे वो रेलवे के तौर पर हो, चाहे वो हाईवेज के तौर पर हो, चाहे वो सहारनपुर विश्वविद्यालय बनाने के तौर पर हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को सुविधा इलाज की देने के रूप में हो, चाहे वो मुस्लिम के साथ साथ दलित और तमाम लोगों को अपना अपना मकान दिलाने के रूप में हो, चाहे वो गरीब कन्याओं को शादी दिलाने के रूप में हो, चाहे वो 80 करोड़ लोगों में सहारनपुर के वो तमाम लोग जिन्हें फ्री में अनाज मिल रहा है, पेट भर अनाज देने के रूप में हो, इन तमाम योजनाओं में हम और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दीन दुखियों की सेवा कर सकें, इसी के तहत चलते हुए मैं समझता हूँ कि एक सहारनपुर को जो स्मार्ट सिटी के रूप में देने की कोशिश करने का काम है, उसमें जो खामियां हैं उन तमाम खामियों को भी हम इंगित करते हुए दूर कराने की कोशिश करने का काम करेंगे। तो ये पूर्व मंत्री संजय गर्ग थे और जो साफ तौर पर बता रहे हैं अपनी समाजवादी पार्टी छोड़ने की वजह, साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का वो काम नहीं करवा पा रहे थे, उनको लाभ नहीं मिलवा पा रहे थे, तो अब उन्होंने भाजपा में ज्वाइनिंग की है और भाजपा को मजबूत करने के लिए वो मेहनत भी करेंगे। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।